हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज हम एक बेबी के लिए 10 से 15 साल की लड़की का ये बनाएंगे सॉक्स, अंगूठे वाली। बहुत सी फरमाइश आ रही थी मेरे पास कि अंगूठे वाली सॉक्स बनाई जाए एक लड़की के लिए, तो ये मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से बनेगी ये। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ बनाइए किस तरह से बनेंगी ये। ये देखिए, इस पे मैंने 38 फंदे डाल लिए हैं फ्रेंड। 38 फंदे डालने के बाद एक दो तीन धारियां मैंने उल्टी उल्टी बना ली हैं, और उल्टी साइड से फिर एक सिलाई इधर तक लगा ली है। ये उल्टी साइड से हमने दूसरा कलर लगाना है, और एक सिलाई मैंने इसकी पूरी लगा ली है। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड, 18 फंदे हम इस साइड बनाएंगे, 18 इस साइड, और बीच के दो फंदों पर हम डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। तीन चार पाँच छः सात आठ नौ उल्टी सिलाई बनाएंगे हमें, 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। तो 3 4 5 6 7 8 9 18। अब देखिए, इन दो फंदों पे हम यहाँ पे डिजाइन बनाएंगे। एक जाली बनाई इस तरह से, और दो फंदे हमने उल्टे बना दिए। फिर से जाली बनाई, और अब 18 फंदे फिर हम उल्टे बना देंगे, और इसके बाद उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाएंगे। फिर सीधी साइड फिर से हम उल्टी ही बनाएंगे, यहाँ तक जहाँ तक हमने जाली बनाई है वहाँ तक बना लेती हूँ मैं, फिर दिखाती हूँ आगे। अब देखिए फ्रेंड, 18 फंदे फिर से मैंने उल्टे उल्टे बना लिए, ये देखिए। इसके बाद फिर से हमने यहाँ पे एक जाली बनानी है, और चार फंदे फिर उल्टे बनाने हैं, 1 2 3 4। फिर एक जाली बनाएंगे, और फिर 18 फंदों को फिर उल्टा बना देंगे, और फिर उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाएंगे। सीधी पे फिर हमने यहाँ पे जाली बनाएंगे, तो सीधी पे फिर दिखाती हूँ मैं। अब ये देखिए फ्रेंड, तीसरी बार हम जाली बनाएंगे, 18 फंदे बना लिए, 1 2 3 4 5 6 फंदे हमने उल्टे बना लिए, देखिए ये दोनों साइड के जालियों के साथ है, और ये हमारी तीसरी जाली बन गई। इस तरह से हम यहाँ पे 5 जालियाँ बनाएंगे, और उसके बाद दूसरा कलर लगाएंगे। तो ये 5 जालियाँ मैं बना लेती हूँ, फिर दूसरा कलर लगाना बताऊँगी किस तरह से हमने दूसरा कलर लगाना है। फिर इसके बाद 2 जालियाँ और बनाएंगे हम, उल्टी सिलाई और सीधी साइड से, दोनों साइड से ये उल्टा उल्टा ही बनेगा। तो ये बना लीजिए इतना, फिर आगे दिखाती हूँ। अब ये देखिए फ्रेंड, 5 बार डिजाइन बना लिया मैंने जाली बना के, और 1 2 3 4 5 धारियां आई हमारी। अब उल्टी साइड से हम पूरी सिलाई दूसरे कलर से बनाएंगे, अब इस वाले कलर से पूरी सिलाई उल्टी बना देंगे, फिर सीधी साइड पे फिर से जाली बना के डिजाइन सेट करेंगे। तो ये पूरी सिलाई मैं बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ सीधी साइड पे। अब देखिए फ्रेंड, 18 फंदे मैंने इस वाले कलर के बना लिए, अब जाली वाले 5 फंदे भी हम उल्टे बनाएंगे। अब ये देखिए, 18 19 20 21 22 23 फंदे हमने उल्टे बना लिए। अब इन दो फंदों पे सेंटर वाले पे फिर से हम दोनों साइड जाली बनाएंगे, ये देखिए इस साइड भी और इस साइड भी। तो ये 3 बार हम डिजाइन बनाएंगे, एक बार फिर से येलो कलर का बनाएंगे, और उसके बाद फिर हम फंदे अंगूठे बनाएंगे। तो ये 3 बार डिजाइन बना लीजिए इसी तरह से। अब फ्रेंड देखिए, 3 डिजाइन बनाने के बाद 5 5 जालियाँ बनाई हैं दोनों साइड, और यहाँ तक 34 फंदे मैंने इस साइड करे हैं, और 34 ही इधर, 34 इधर 34 इधर। अब यहीं से हम 6 6 धारियाँ उल्टी उल्टी बनाएंगे, ये हम बाद में बनाएंगे। पहले एक साइड की 6 धारियां कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरी साइड 6 धारियां बनाएंगे। ये हमारी पहली धारी बन गई,
छह धारियां बनाने के बाद फिर हम इसको बंद करेंगे और सी लेंगे। अब देखिए फ्रेंड, एक दो तीन चार पाँच छः बनाने के बाद आठ फंदे मैंने यहाँ से बंद कर लिए हैं। आठ ही अब यहाँ से बंद करेंगे हम। ये भी छः ही धारियाँ बनाई हैं, पहले आठ फंदे यहाँ से बंद कर लेते हैं। दो तीन चार पाँच छः सात और आठ। अब इस तरह से देखिए, उल्टी साइड हम बाहर की साइड करेंगे और सीधी अंदर की साइड, और इस तरह से दोनों सिलाइयाँ पकड़ लेंगे। अब देखिए, एक एक फंदा दोनों सिलाई का लेते हुए हम फंदे बंद कर देंगे। और पीछे वाले को इसके ऊपर से उतार देंगे। इस तरह से पीछे तक हम सभी फंदों को बंद कर देंगे। इसके बाद फिर मैं सिलना बताऊंगी आपको, पहले बंद कर लेते हैं फिर सिलेंगे इसको। ये देखिए, ये फंदे हमारे बंद होना स्टार्ट हो गए हैं, तो मैं बंद कर लेती हूँ। अब देखिए फ्रेंड, सिलेंगे इसको। तो ये बैक पार्ट सिलेंगे पहले हम ऊपर से नीचे तक, फिर अंगूठे सिलेंगे। अब देखिए, इस तरह से पकड़ेंगे इसको और एक साइड से दूसरी साइड तक सिल देंगे।
अब देखिए फ्रेंड, सीधा करेंगे इसको। और ये देखिए बहुत ही प्यारा सा बूट बनके तैयार हो गया है हमारे पास। ये देखिए कितने प्यारे सॉक्स बने हैं। तो फ्रेंड एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सुंदर और बहुत ही कंफर्टेबल बनती है बच्चों के लिए। तो फ्रेंड वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।